हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल ऑफ वेक्टर एडुकेटर्स इज नीलम एंड आज हम बात करने वाले वर्क कीजिए प्रोग्रेस के लिए स्ट्राइव कीजिए प्रोग्रेस के लिए हार्ड वर्क कीजिए ना कि परफेक्शन के लिए बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि हर दिन मुझे थोड़ा ना थोड़ा मतलब लिटिल प्रोग्रेस हर दिन करना है तो अल्टीमेटली आपको परफेक्शन आ ही जाएगा

या एनिमोसिटी animosity, एनिमोसिटी animosity मतलब भी होती है किसी के लिए हेट्रेड uh, वाली फीलिंग्स या इल फीलिंग्स एंटनिम की अगर बात करें तो इस वर्ड के एंटेनिम uh, हो जाएंगे फ्रेंडशिप एंड गुडविल अगर इसके यूज की बात करें एग्जाम्पल सेंटेंस की सीरियस हॉस्टेलिटी बिटवीन दॉलोनिस्ट एंड दमेरिक मतलब की ये जो कॉलोनिस्ट थे एंड नेटिव अमेरिकन थे इनके बीच एक सीरियस हॉस्टेलिटी थी सो सीरियस हॉस्टेलिटी मतलब सीरियस अन फ्रेंडलीनेस या बिटर रिलेशन थे नेक्स्ट वर्ड देखते है इंटेंट एंड इंटेंट वर्ड निकल कर आता है इंटेंशन से एंड इंटेंशन का मतलब होता है इरादा या पर्पस किसी चीज को करने का पर so, सिनेम की अगर बात करें डिसाइडेड या हेल्पेंट ये सिनेम हो जाएंगे एंड An एंटनिम होंगे फ्लेक्सिबल या इन डेफिनाइट एग्जाम्पल इज यहाँ पर ये यह वॉज नहीं आएगा इट वॉज माई इंटेंट

मतलब कि कोई मशीन या किसी मशीन या किसी स्ट्रक्चर को पीसेस में डिवाइड कर देना या ब्रेक कर देना या उसके पुर्जे अलग अलग कर देना ये होता है डिसमेंटलिंग सिनोनिम जो होंगे वो होंगे ब्रेकअप एंड डिमोलिश एंड एंटनिम्स आर बिल्ड एंड कंस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज़ को बिल्ड करना कंस्ट्रक्ट करना मतलब किसी चीज़ को डेवलप करना क्योंकि डिसमेंटल करना मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक कर देना पीसेस में अगर यूसेज की बात करें दे मशीन एंड स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच तो मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि इस मशीन को हम क्या कर देंगे डिसमेंटल कर देंगे मतलब उस मशीन के पुर्जे पुरजे अलग कर देंगे अब ये डिसमेंटलिंग की क्यों जाती है सपोज अगर एक बहुत बड़ी कोई मशीन है किसी कंपनी की अगर बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की वहां पर बहुत बड़ी मशीन है एंड उस मशीन को हमें आ, इस जहां पर वो है उस प्लेस से किसी और प्लेस पर ले जाना है सो so, उस मशीन को हम ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकते so, उस मशीन को हम डिसमेंटल कर देंगे उसके जितने भी पार्ट्स है वो अलग अलग कर देंगे and then उन parts को हम एक place से दूसरी प्लेस में शिफ्ट कर पाएंगे सो so, इसी इस तरीके से इस वर्ड का यूज किया जाता है डिसमेंटलिंग डिसमेंटल नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंसिस एंड कंसेंसिस एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है आम सहमति मतलब सारे के सारे लोग अगर एक चीज पर एक मुद्दे पर सहमत होते हैं एग्री करते हैं उसे हम कहते हैं कंसेंसस मीनिंग है इंग्लिश मीनिंग अ जनरल एग्रीमेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे अकॉर्ड अकॉर्ड मतलब भी एग्री होना या कंसेंट कंसेंट मतलब भी परमिशन दे देना या एग्री हो जाना एंटनिम्स डिनाइल मतलब मना कर देना इनकार कर देना एंड डिसएग्रीमेंट तो आपको पता ही होगा मतलब एग्री ना होना राजी ना होना एग्जाम्पल की बात करें यूसेज की बात करें इट टूकल आर्स फॉर द जूरी टू कम टू अंस मतलब की ज्यूरी को बहुत सारे घंटे मतलब uh, several hours लगे बहुत घंटे लगे टू कम टू अंस मतलब एग्री uh, होने के लिए पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर एक मुद्दे पर एग्री होने के लिए उन्हें सेवरल आर्स लगे सो आई होप इस वर्ड का यूसेज क्लियर है सो so आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड है इरोजन एंड इरोजन एक नाउन होता है जिसका मतलब है कटाव इंग्लिश मीनिंग की अगर बात करें द ग्रेजुअल डेस्ट डस्ट्रक्शन और डिमिन्यूशन ऑफ समथिंग मतलब किसी का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन या डिमिन्यूशन हो रहा है मतलब वो साइज में कम कम होते जा रहा है डिस्ट्रॉय होते जा रहा है उसे हम कहते हैं इरोजन जैसे कि आपने सुना ही होगा सॉइल इरोजन पर्टिकुलर किसी एक प्लेस की सॉइल अगर डिस्ट्रॉय uh, हो जाती है या पानी के साथ पानी के फ्लो में बह के कि किसी और प्लेस में हो जाती चली जाती है तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं सिनेम्स यहाँ पर हो जाएंगे कोरोजन या डिक्रीज

सो so, अब बारी आती है फ्रेजल वर्ब्स की सो एज पर डायरेक्शन इन ईच ऑफ क्वेश्चंस फोर आर गिविन चार ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं एंड आपको बताना है कि ये जो फोर ऑल्टरनेटिव है इनमें से इस गिवन फ्रेज वर्ब का सही मीनिंग क्या होगा सो so, देखिए इस टेक डाउन एंड इस टेक डाउन का क्या मीनिंग हो सकता है लेट्स डिस्कस गाइस टेक डाउन टेक डाउन गिव तो बिल्कुल नहीं होगा वेयर भी नहीं होता है वेयर मतलब किसी क्लोथ या किसी कपड़े को पहनना सो ये भी नहीं होगा राइट बिल्कुल सही आंसर है एंड टेक भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन राइट डाउन स्पोकन वर्ड्स मतलब कोई कुछ बोल रहा है एंड उसे नोट uh, करना या लिखना उसे हम कहते हैं टेक डाउन जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें आई टुक डाउन द एड्रेस आई टुक डाउन द एड्रेस कि मैंने जो एड्रेस था वो कॉपी कर लिया मतलब नोट no डाउन कर लिया सो so, इस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है सो so, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्क अपॉन सो so, देखिए यहाँ पर इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग हो सकता है सो लेट्स चेक गाइस वर्क अपॉन एंड वर्क अपॉन मतलब uh, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज पर काम करना मेहनत करना uh, या तो इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या किसी uh, हाँ मतलब किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना सो so यहाँ पर देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑप्शन है सो so ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है वर्क नहीं होगा थिंक भी नहीं एंड लर्न अबाउट भी यहाँ पर uh, सही आंसर नहीं होगा सो so यहाँ जो सही आंसर होगा ये होगा इन्फ्लुएंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो लेट्स चेक टर्न अप टर्न अप फर्स्ट ऑप्शन एक्साइट एक्साइट बिल्कुल नहीं होगा टेक प्लेस यस बिल्कुल होगा आइडेंटिफाई भी नहीं होगा एंड यहां पर ये यह टर्न भी सही आंसर नहीं होगा सो so यहाँ जो टर्न अप फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टू टेक प्लेस कोई चीज होना नेक्स्ट देखते हैं लुक अप टू सो देखिए इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग हो सकता है सो लेट्स चेक लुक अप टू एंड लुक अप टू का मीनिंग होता है रेस्पेक्ट करना किसी को एडमायर करना सो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन टेक केयर एंड सी बिल्कुल यहाँ पर गलत ऑप्शन है लुक अप टू मतलब रेस्पेक्ट करना या एडमायर करना जैसे ही लुक्स अप टू हिज फादर कि वो अपने फादर का रेस्पेक्ट करता है फादर को एडमायर करता है सो इस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब को हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जंप एट सो देखिए यहां पर जंप एट का क्या मीनिंग हो सकता है सो लेट्स चेक गाइज जम्प एट जम्प एट मतलब जम्प फ्रॉम मतलब कहीं से जंप करना बिल्कुल भी नहीं होगा ये देन एक्सेप्ट हैप्पीली येस इसका सही ऑप्शन है एक्सेप्ट हैप्पीली या हम कह सकते हैं किसी चीज को ईगरली एक्सेप्ट करना बहुत ईगरली या है किसी चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं किसी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं उसे हम कहते हैं जम्प एट कम एक्रॉस या टू जम्प हायर बिल्कुल नहीं होगा जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें शी जम्प्ट एट द बेटर जॉब जंप्ट एट दॉब सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि जम्प एट का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं नेक्स्ट फ्रेजल आप देखते हैं लिव ऑफ तो देखिए यहां पर इस लिव ऑफ का क्या मीनिंग हो सकता है लेट्स चेक लिव ऑफ एंड लिव ऑफ का मतलब होता है कि uh, किसी पर डिपेंड होना फिनेंशियली मतलब एज अ सोर्स ऑफ इनकम किसी पर्सन पे अगर आप डिपेंड हो करते हो या अगर सोर्स ऑफ इनकम आप किसी पर्सन को मानते हो सो so इसे हम कहते हैं लिव ऑफ सो यहाँ पर टू लिव तो नहीं होगा टू डाई नहीं सोर्स ऑफ इनकम यस एंड लिव हैपली भी नहीं सो so यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सोर्स ऑफ इनकम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इज ले बाय सो देखिए इस फ्री फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग हो सकता है सो लेट्स चेक ले बाय फर्स्ट ऑप्शन इज सेव मनी यस ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है टू रेस्ट रेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं प्लान समथिंग किसी चीज की प्लानिंग करना बिल्कुल भी नहीं एंड कंस्ट्रक्ट भी नहीं सो so यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज सेव मनी सो ले बाय का मतलब होता है मनी सेव करना या कोई भी चीज सेव करना फ्यूचर यूज के लिए उसे भी हम कहते हैं ले बाय नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लुक डाउन ऑन सो देखिए इसका क्या हो सकता है सही आंसर लुक डाउन अप ऑन सॉरी लुक डाउन अप ऑन सो लुक डाउन अपॉन फर्स्ट ऑप्शन इज सर्च फॉर समथिंग किसी चीज को सर्च करना नहीं अगर यहाँ पर लिखा है लुक डाउन मतलब ऐसा नहीं कि नीचे देखना है किसी चीज को सर्च करना है ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बनाएगा यहाँ पर हेट करना येस yes, ये बिल्कुल सही मीनिंग होगा सर्च करना नहीं एंड टू चेकआउट भी बिल्कुल नहीं मतलब सर्च करने से तो बिल्कुल ही नहीं है इसका मीनिंग रिलेटेड यहाँ पर जो इसका सही मीनिंग है यह है हेट करना नफरत करना जैसे हमने कहा यू शुड नॉट उाउन लुक डाउन अपॉन दुअर पुअर सॉरी यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन दी पुअर कि आपको गरीब लोगों को हेट नहीं करना चाहिए सो so, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते है कम बाय कम so, पर देखते हैं गेट गेट मतलब मिलना यस yes, बिल्कुल हो सकता है सही आंसर टू कम क्लोज तो बिल्कुल नहीं होता है टू गेट समथिंग कोई चीज मिलना समथिंग यहाँ पर यस yes, हो सकता है ये भी हो सकता है एंड टू मीट समवन ये तो बिल्कुल नहीं होगा सो so शायद यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा फॉल्ट है सो so यहां पर एक्चुअली इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ मीनिंग होता है करना या कोई चीज एक्वायर करना या किसी चीज का गेन होना इसे हम कहते हैं कम बाय so, शायद ऑप्शन में थोड़ा फॉल्ट है तो यहां पर हम इससे एलिमिनेट कर देंगे इसे रख लेते हैं शायद ये कुछ और ऑप्शन रहा होगा या फिर ये कोई और ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड सो एग्जाम्पल की अगर बात करें ही मैनेज टू कम बाय चीप

So, बात करें कॉल फॉर की कॉल समवन किसी को कॉल करना ये गलत हो जाएगा डिमांड करना यस yes, ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है पर्पस तो नहीं है एंड टू मीट भी मीट समवन भी यहां पर गलत हो जाएगा सो so, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिमांड एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा द पार्टी कॉल्ड फॉर हिज रेजिग्नेशन द कॉल द पार्टी सॉरी द पार्टी कॉल्ड फॉर हिज रेजिग्नेशन मतलब पार्टी ने डिमांड किया उसके रेजिग्नेशन के लिए सो आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ चुका है सो थैंक यू वेरी मच गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो